13वीं विधानसभा के चुनावों का प्रसारण लाइव यूट्यूब पर किया जाएगा और देश के अलावा पूरे विदेशों में भी चुनाव प्रक्रिया लाइव यूट्यूब के माध्यम से देखी जाएगी। इस कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए बकायदा जिला प्रशासन हमीरपुर पूरी तरह से जुट चुका है। गत 5 दिनों से हमीरपुर के बचत भवन में चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर परिपक्व बनाया जा रहा है ताकि बढ़िया तरीके से मतदान केंद्रों पर तैयारी हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी हमीरपुर मदन चौहान ने बताया कि इस बार चुनावों का प्रसारण यूट्यूब पर किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम भी इसी सप्ताह हमीरपुर आएगी, जो कि तैयारियों का जायजा लेगी। इलेक्शन कमीशन की टीम जो है हिमाचल को विजिट करने वाली है इसी हफ्ते के अंदर, और हो सकता है कि वो हमीरपुर जिले में भी आए। अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, पर हो सकता है कि वो हमीरपुर जिले में भी आए। तो वो मैंने BNOs को बता दिया है कि आपका वो किसी भी बूथ पे जा सकते हैं, तो वो बूथ जो है पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, उसके ऊपर बोर्ड लगा होना चाहिए, बोर्ड में कुछ चीज़ें लिखनी है, वो हमने इनको बता दी है। 50% जो है वो वेबकास्टिंग होनी है, 50% पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है। अब आप समझते हैं कि वेबकास्टिंग जब होगी तो वो तो फिर यूट्यूब पे अपलोड करके कहीं भी इंटरनेट पर उसको दिखा जा सकता है। और जैसे मैं BLOs को भी बता रहा था कि जो हमारे स्थानीय निवासी कहीं बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है अपने लोगों को देखना, अपने देश की जो है वो एक्टिविटी क्या हो रही है, तो इस बार उस तरह से तैयारी हमने करनी है। और इसके अलावा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी 2-3 दिनों में हम 2-3 कॉन्स्टिट्यूंस और पूरा कवर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि हम मैक्सिमम वोटर को इसमें एनलिस्ट कर पाएंगे। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला की 50% मतदान केंद्रों में लाइव प्रसारण यूट्यूब पर होगा, जिसके चलते जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। साथ ही इसी सप्ताह केंद्रीय निर्वाचन की टीम भी हमीरपुर में आएगी, जो सारी तैयारियों का जायजा भी लेगी। इसी के चलते विशेष प्रशिक्षण देकर कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित कर प्रसारण के लिए ढंग से काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है।